जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी। सड़क गुमशुदा है, हर तरफ बस बाढ़ का पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। असम में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में अब तक करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से बारिश का कहर थम गया है। बाढ़ की वजह से हुई तबाही का जायजा लेने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम राज्य का दौरा करेगी। असम के 27 में से अब भी 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिविर बनाकर रखा गया है। बाढ़ की वजह से अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। गोलपाड़ा में लापता नाव का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है।